करनाल सभी कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने अपनी सहमति जताई। देखिए, सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व प्रत्याशी और सभी वरिष्ठ जो सब कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं, सभी लोगों ने मिलकर आज ये निर्णय लिया है कि राहुल जी का करनाल आगमन पर एक अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा और विभिन्न वर्गों के लोग राहुल जी से अपनी समस्याओं के साथ मिलेंगे। तो यात्रा कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगी? हरियाणा की अगर बात करें तो फिरोजपुर झिरका से नौ जिले से एंटर करते हुए गुड़गांव और पलवल होते हुए गुड़गांव और पलवल जिले के कुछ रात को फरीदाबाद पहुंचेगी। फरीदाबाद के बाद अगले दिन 24 तारीख को दिल्ली चली जाएगी और फिर दोबारा हरियाणा में 6 या 7 तारीख। तो करनाल में किस जगह स्वागत किए जाएंगे, कौन कौन सी जगह होंगी? हम शुरू करेंगे उनकी यात्रा को कोहंड से, कोहंड से गोरंडा से करनाल होते हुए तरावड़ी नीलोखेड़ी से कुरुक्षेत्र की ओर ये कूच कर जाएगी। बीच में पॉइंट्स हमारे साथियों को देंगे। रात्रि प्रवास रहेगा राहुल जी का, पहले दिन बाबरपुर में रहेगा और दूसरे दिन उचाना गांव। तो जो लोग साथ चलना चाहते हैं राहुल जी के साथ यात्रा में, उनके कार्ड बनवा दें और बिना कार्ड भी कोई वॉक करना चाहे करता रहे। कौन रैली के लिए जो पानीपत में स्टेट लेवल की रैली होगी उसके लिए पूर्णतया प्रयास करें। रास्ते में जो अभी तक का एक्सपीरियंस है कि वो प्रोफेसर से, डॉक्टर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, स्टूडेंट्स से, सफाई कर्मचारियों से, महिलाओं से, नर्सेस से, आशा वर्करों से और समाज के विभिन्न वर्गों से, किसानों से, सबसे मिले। आज तक के देश के इतिहास में सबसे बड़ा अभूतपूर्व स्वागत इस यात्रा का प्रत्येक प्रांत में। तो आम जन जो साथ चलना चाहता है उनके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था की? कोई भी व्यक्ति राहुल जी से मिलना चाहे रूट पर मिलते हैं लोग उनसे और साथ भी चलते। मेरा एक ही मैसेज है कि हम सब संगठित होकर राहुल जी की यात्रा को